नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तिरंगा व आमंत्रण पत्र देकर विमल द्विवेदी ने विशाल तिरंगा यात्रा के लिए राष्ट्र भक्तों को किया आमंत्रित। आज नरसेवा नारायण सेवा के द्वारा गत कई वर्षों से 14 अगस्त को निकाली जाने वाली विशाल तिरंगा यात्रा के लिए यात्रा के संस्थापक व भाजपा नेता विमल द्विवेदी के नेतृत्व में संस्था के पदाधिकारियों व राष्ट्र भक्तों द्वारा गांधीनगर तिराहे से आवास विकास मुख्य मार्ग तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें व्यापारियों व आम जनमानस को तिरंगा व आमंत्रण पत्र देकर अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने का किया गया आग्रह। विमल द्विवेदी ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा लगाने व इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आह्वान किया गया है। हम सब भी गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा संकल्प हर घर तिरंगा अभियान चलाकर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 10,000 निशुल्क तिरंगा वितरण कर हर घर तिरंगा अभियान व आगामी 14 अगस्त को निकाली जाने वाली विशाल तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक विनय द्विवेदी, जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, निशांत शुक्ला, सुरेश सिंह सेंगर, राकेश राजपूत, मनीष मिश्रा, मनीष अवस्थी, धर्मेंद्र शुक्ल, अखिल मिश्रा, अभी तिवारी, सुनील भदवरिया, विष्णु गुप्ता, आकाश यादव, मनोज शुक्ल, सर्वेश शुक्ल, मनीष यादव, सुरेश, अनिल सोनी, कमलेश बाजपेयी, योगेंद्र तिवारी, सुदीप सिंह, आलोक शुक्ला, श्रवण कुमार, लकी यादव, शिवजी वैश, पवन राज, ऋषभ, साहिल शंकर, सुनील कुमार, मुकेश दीक्षित, अजय द्विवेदी, अनिल सोनी, शिवम आजाद, राघवेंद्र पांडे, अनुराग वाजपेयी, कुलदीप वर्मा, महेंद्र राम त्रिवेदी, मोहित निगम, अजय, पंकज सहित आधा सैकड़ा राष्ट्र भक्त मौजूद रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। गत वर्षों की बात, इस वर्ष भी नरसेवा नारायण सेवा द्वारा आगामी 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हम आदरणीय मोदी जी द्वारा भी आह्वान किया गया है, गत वर्ष की बात इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हम सब भी उनके अभियान से जुड़कर आम जनमानस से संपर्क कर उन्हें तिरंगा देकर उन्हें आमंत्रण पत्र देकर 14 अगस्त को निकलने वाली विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से भी उन्नाव जनपद के समस्त जनपद वासियों से आग्रह करता हूं कि इस राष्ट्र के प्रति समर्पित विशाल तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों और 15 अगस्त को अपने अपने घरों में भी तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा के अभियान से जुड़ने का और राष्ट्र के प्रति जो लगभग 7.5 लाख बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उन्हें अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें व सभी राष्ट्रभक्त 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक सम्मिलित। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।